All of you students, today we are going to start with our English subject of class 2. The book name is Tree Top. Now for the book students. Dear students, we are going to chapter number 10, Recreation. Okay students, which is page number 59. So here is complete. Let's start the next paragraph. Recreation helps in making us feel relaxed, happy and refreshed. रिक्रिएशन जो होता है वो हमें क्या बनाता है, रिलैक्स्ड, खुश और रिफ्रेश्ड यानी तरोताज़ा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। जो खेल होते हैं और जो स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो बड़े लेवल पर वगैरह खेले जाते हैं, वो हमारी बॉडी को रिक्रिएशन करते हैं और वो रिक्रिएशन के ये फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे कि गेम्स में होते हैं इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है, जो हम अपने नेबरहुड में जाके भी खेल सकते हैं। तो इस तरह के गेम्स जो होते हैं हमारी माइंड को रिफ्रेश करते हैं और एक्टिव करते हैं और हैप्पी भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर उसी के रिगार्डिंग था। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 11 विद अ फ्रेंड। ये है फ्रेंड की कहानी है, सॉरी ये कविता है, जो कि विवियन गॉल ने लिखी है। ये पॉइंट टेब है। तो हम अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं और उसके साथ हर चीज़ें सीखते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं उसको, और कभी कभी उसके साथ डिसएग्री भी होते हैं, कभी कभी उसके साथ मुकाबला भी करते हैं। तो हम अपने फ्रेंड के साथ बहुत कुछ, बहुत चीज़ें एंजॉय करते हैं। और जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ साथ अगर हम नए फ्रेंड्स भी बनाते हैं तो उनको भी याद रखना चाहिए, पुराने फ्रेंड्स को भी। और एक अगर सोना है तो एक अगर चांदी है तो दूसरा भी सोना है। और ये जो सर्कल है ये राउंड है, इसका कोई एंड नहीं है। फ्रेंडशिप के लिए मैं लाइफ टाइम तक अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता हूँ। और ये जो पॉइंट है ये कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप जो होती है, जो फ्रेंड्स होते हैं उनका साथ हमेशा देते रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 12 वाइस काउंटी, विच इज़ और पेज नंबर 68। ये है अकबर बीरबल की स्टोरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें जो है अकबर क्या कर रहे हैं, बीरबल के साथ गार्डन में घूम रहे हैं और फिर उससे एक डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल्स के बारे में। और एक दिन फिर वो अचानक एक क्वेश्चन को, अजीब सा क्वेश्चन उसे कहते हैं कि इस शहर में टोटल कौवे कितने होंगे, अगर तुम सही आंसर दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, माय लॉर्ड, हमारे शहर में टोटल 40,889 कौवे हैं। तो कह रहा है कि तुमने ये तुम कैसे कह सकते हो, कैसे श्योर हो सकते हो तुम। तो कौवे ने उसने बीरबल ने बोला कि यदि आप अपने जो है अपने आदमी को बुलाइए और उनको भेज दीजिए काउंटिंग के लिए, यदि वो गिनती में कम पाए जाए तो सब जो कि वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे गए हुए घूमने के लिए, और अगर वो संख्या में ज़्यादा आ जाए तो सब जो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हमारे शहर में रहने के लिए उनके पास। तो अकबर जो थे वो इसके आंसर से सेटिस्फाइड हुए, उसकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उसको उस सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए 1000 सोने के सिक्के जो है प्राइस पे दिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।